हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज मैं आया हूँ PCU यूनिवर्सिटी। ये इसका जो लोकेशन है वो है साते मावड़ पुणे में। आज इसका हम कैंपस टूर करने वाले हैं। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हो मेरे पीछे, बहुत ही शानदार इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम चल के पूरा कैंपस टूर करते हैं, प्रॉपर एक व्लॉग बनाएंगे। कौन कौन सा कोर्सेज है, वो क्या क्या चीज़ें फैसिलिटीज़ देते हैं, इनका हॉस्टल का रेंट कितना है, कोर्सेज का क्या फीस है, वो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस PCU में कैसा है? ओवरऑल एक्सपीरियंस बोले तो अच्छा है। स्टाफ भी अच्छा है, सपोर्टिव है, और इन एनवायरनमेंट भी अच्छा है। मतलब एजुकेशन या पढ़ने में अच्छा हेल्प होता है, या फिर नेचर जो आजू बाजू है, पोल्यूशन भी कम है, नॉइज भी कम है। जो अदर कैंपसेस में हम देखते हैं गर्दी ज़्यादा होती है, पर यहाँ पे वैसे नहीं है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली और सब अच्छा है। यहाँ के टीचर्स कैसे हैं? सपोर्टिव है, अगर गलत किया तो स्कोल्ड भी करते हैं हमारी फ्यूचर के लिए वो, तो फिर सपोर्टिव है, अच्छे टीचर। ओवरऑल सिक्योरिटी पर्पज से कैसा है? सिक्योरिटी पर्पज़ भी अच्छा है। सुबह आते समय आइडेंटिटी कार्ड्स चेक होते हैं, और फिर अटेंडेंस भी हमारी डेली लगती है। अगर हमें हाफ डे बाहर भी जाना होता है तो फिर लेटर पे साइन लेनी पड़ती है जोड़ी की। आपका एक्सपीरियंस कैसा है? बस थोड़ा बोलना है, कैसा एक्सपीरियंस आप बता दो। मेरा भी एक्सपीरियंस अभी वैष्णव ने जैसे बोला वैसे ही है। अच्छा है कॉलेज, अच्छा है कैंपस, अच्छा है, भीड़ कम है इधर, और हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है आगे जाके परफॉर्म वगैरह करने की। सिक्योरिटी भी अच्छी है इधर। ठीक, थैंक यू सो मच। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है PCU में? ओवरऑल तो क्वाइट गुड है। बस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी इसकी, तब तो फिर मतलब तब तो सबको आना मतलब यहाँ चाहिए। और आपका कैसा एक्सपीरियंस है? मेरा भी काफ़ी अच्छा है। लाइक वही मेन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, बाकी अगर कोई मेरे से पूछेगा कि उन्हें आना चाहिए, मैं बोलूँगा यस आना चाहिए। लाइक अकेडमिक प्लेसमेंट के लिए PCT तो जाना भी जाता है, तो उस वजह से। अच्छा, क्या माइंडसेट लेके आपने चूज़ किया PCU को? मेनली था लाइक कि थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा लाइक नाइस की, और लाइक मैं एक्चुअली मुझे क्या चाहिए फ्यूचर के लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का, तो उस वजह से चाहिए था। प्लेसमेंट्स भी अच्छे हैं यहाँ के। सिक्योरिटी पर्पज़ से कितना अच्छा है? सिक्योरिटी पर्पज़ से भी लाइक एनवायरनमेंट, हाँ एक अच्छा एनवायरनमेंट है सिक्योरिटी पर्पज़ से भी। सिक्योरिटी बहुत अच्छी, हाँ सिक्योरिटीज बहुत, मतलब बहुत अच्छी सिक्योरिटी। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो सही है, क्योंकि फैकल्टी पूरा ध्यान देती है स्टूडेंट्स पे, कि स्टूडेंट्स एक उनका सही फोकस रहे स्टडीज़ पे, और थोड़ी स्ट्रिक्टनेस भी करते हैं। सो बाकी HOD भी बहुत ध्यान देते हैं, बहुत उनका नेचर अच्छा है। अच्छा, कॉलेज के बारे में सुना कैसे था आपने, कहाँ से पहली बार गए तो कहाँ से सुना था आपने? एक्चुअली मैंने काउंसलर के थ्रू करवाया था एडमिशन। और आपने? मेरा दोस्त था वो, मतलब वो एडमिशन ले रहा था यहाँ पे, तो वो भी जम्मू का है, तो फिर अकेले आ रहा था इधर, तो मैं भी उसके साथ आया, क्योंकि मेरे को कॉलेज तो मेन चाहिए ही था। बाहर कौन से ब्रांच से कर रहे हो? मैं BTEC AID। और आप? मैं कोर ब्रांच से BTEC CS। फीस वगैरह आपको कैसा लगता है, ज़्यादा या फिर कि हाँ ऑन एन एवरेज लगता है? फीस आई थिंक हॉस्टल की काफ़ी जेन्युइन है। हॉस्टल के हिसाब से इट्स लाइक इतना भी महंगा नहीं है, कॉलेज के हिसाब से इट कुड बी अ लिटिल लेस। और आप? हॉस्टल की ठीक है, मतलब ये हो सकती थी। तो हॉस्टल फीस कितना लगता है आपका? हॉस्टल 110। और आपका? हॉस्टल की फीस तो नॉर्मल है, और कॉलेज की फीस भी वो भी नॉर्मल ही है। कितनी फीस लगती है आपके BTEC AIDS की? BTEC की 2,05,000
5000 आपका कितना लगा था? सेम आपका भी, क्योंकि तीनों बीटेक किया ना। अच्छा, कोई नेगेटिव पॉइंट आपको लगता है इस कॉलेज का? नेगेटिव पॉइंट तो अभी यही है कि मतलब लाइक रिलेटेड टू एकेडमिक, एकेडमिक के रिलेटेड, एकेडमिक के रिलेटेड तो नहीं है, एकेडमिक तो काफी बस ये है कि थोड़ा फैकल्टी काफी चेंज हो रही है इस टाइम पे, थोड़ा भी रख नहीं पा रहे कि बेस्ट कौन सा है, तो उस वजह से प्रॉब्लम है, हो जाएगा आई थिंक एक और सेमेस्टर के बाद सही हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ सर, ये क्या है सर? दिस इज अवर कॉम्पिटेंट कोर्स, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग दिस स्पोर्ट्स हियर जी जी आफ्टर द इन रेसेस और आफ्टर द कॉलेज आवर्स आल्सो जी। वी आर प्रोवाइडिंग द इन कैंपस स्पोर्ट्स इन हाउस एज वेल एज आउट हाउस आल्सो जी जी। सो स्टूडेंट्स आर एंजॉयिंग इट इन हाफ पीरियड और वेयर एवर एग्जैक्टली दे आर हैविंग दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पीरियड जी।